दोस्तों आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन या डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन को हम जानेंगे कि ये होता क्या है। आज तक जितने भी लोगों ने आपको बताया है स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी यूट्यूब पे, वो आधा ही बताया है। आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, जिससे आपको डोमेन एंड रेंज जैसे टॉपिक के क्वेश्चन करने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आता है कि ये कब कंडीशन कौन सा कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैथ आप पढ़ रहे हैं तो ये काम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन जितना लोग बताते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा है। अब वीडियो में बने रहें और देखिए पूरा लास्ट तक कि क्या है एक्सप्रेशन और क्या है इक्वेशन, ठीक है। जब हम डोमेन एंड रेंज स्टार्ट करना करते हैं तो उससे पहले हमें सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है, और सेट थ्योरी में भी सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलता है नंबर्स। कैसे नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ऐसे नंबर। लेकिन वो क्या है ना कि वो आधी जानकारी है। नंबर लाइन हमारा रियल में सिर्फ ऐसे नहीं होता है, हॉरिजेंटल नहीं होता है। हमारे बुक में नंबर लाइन सिर्फ हॉरिजेंटल है, जबकि इसी में आप आगे जाएंगे ना तो आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें एक नई एक्सिस और नया नंबर आता है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। तो वो क्या होता है, उसको हम वर्टिकली प्लेस करते हैं, ठीक है। ये जो है जीरो दोनों में कॉमन है, हॉरिजेंटल में वन टू थ्री ऐसे जाता है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2 और -3, ठीक है। और जीरो के ऊपर अपवर्ड आई में जाता है, इमेजिनरी आई मीन्स इमेजिनरी, और नीचे -i, -2i, ठीक है। ये हमारा जो है पैटर्न 2D में, ये रियल नंबर सिस्टम है हमारा, ठीक है। ये हमको दर्शाता है परफेक्ट, अगर हमें कोई भी पॉइंट 2D में चाहिए, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है तो हम लिखते हैं 2+i, देखिए 2 हॉरिजेंटली, 1 वर्टिकली, ठीक है, ये होता है। लेकिन आप लोग को ये बात समझना चाहिए कि आप लोग को शुरू में ही i को हम नहीं बता सकते हैं टीचर। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आप लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है, 10th पास करके आए होते हैं आप लोग, और बाद में ये जो टीचर पढ़ाते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों को रिलेट करना भूल जाता है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है। ये दोनों देखिए, ये पूरा परफेक्ट है, ठीक है। जो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं वो इसका हाफ पार्ट ही जानते हैं, हाफ पार्ट वर्टिकल वाला है हम लोग को कोई नहीं बताता है। ये है नंबर सिस्टम जिसमें सभी दुनिया के नंबर जो आप सोच सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, सभी नंबर का ये कलेक्शन होता है। ये नंबर लाइन पे इस तरह दिखाया जाता है, इसी को हम सेट कहते हैं, ठीक है। सभी आल कलेक्शन नंबर का ये सेट है, ठीक है। अब बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जिसे हम x² - 5x + 6 लिख दिए ना, तो ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन तो होता है, ये तो सब बताते हैं, और इक्वेशन में बताते हैं कि x² - 5x + 6 = 0, इसको इक्वेशन बताते हैं। लेकिन दोस्त ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है ना, इसको हम प्लॉट करते हैं इस वाले ग्राफ पे, इस 2D ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं जिसमें इमेजिनरी होता है, ठीक है। दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन जिसका हम रूट निकालते हैं वो इस वाले ग्राफ पर ही निकालते हैं, एक्स और वाई एक्सिस हमारा ऐसा होता है। इसीलिए कभी हमारा रूट जो होता है वो रियल आता है, कभी आता है इमेजिनरी। बात समझ रहे हैं? हमें जब रूट निकालना होता है तब इस पर आते हैं, और जब हमें डोमेन एंड रेंज निकालना होता है किसी भी एक्सप्रेशन इक्वेशन का, तो हम जो एक्सिस यूज करते हैं उसमें ये भी रियल नंबर रहता है और ये भी रियल नंबर रहता है, इसमें इमेजिनरी नहीं रहता है। इसमें 0+1, 2 जाता है, इसमें i, 2i ऐसे नहीं होता है। ये दोनों डिफरेंस होता है, ये इक्वेशन के लिए यूज होता है और ये एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है।
अब इसमें क्या है ना, देखिए अगर कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, अब इसमें हम कोई भी वैल्यू डालें, अगर हम रियल नंबर डालें तो हमें रिजल्ट रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर का मतलब कि 1, 2, 3 डालेंगे तो इसका जो आएगा वैल्यू वो रियल नंबर ही आएगा। अगर इसमें हम इमेजिनरी नंबर डालें तो इसका रिजल्ट भी इमेजिनरी आएगा, ठीक है। हमारे बुक में जब क्वेश्चन दिया जाता है, जब फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो उसके बगल में लिख दिया जाता है कि एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें रियल नंबर डालना है, ठीक है, तो ये रियल नंबर ही आएगा। तो हम इसके बाद अगर इक्वल करते हैं, ठीक है, इक्वल मतलब इक्वेशन के लिए, तो जो ये रियल नंबर आएगा वो तो कुछ होगा ना, और इनका कलेक्शन करेंगे सभी, मान लीजिए एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, इस तरह बहुत बार हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, नंबर आया, तो इसका कलेक्शन जो होता है वो भी तो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम अगर रियल नंबर इसमें पुट करें तो हमें रियल नंबर ही मिलता है, और ये दोनों बराबर है, तो इसीलिए इक्वेशन का जब हम एक्सिस बनाते हैं तो हम दो रियल नंबर चाहता है, एक जो एक्स हम पुट करते हैं और दूसरा जो हमारा रिजल्ट निकलता है। जो हम ये पुट करते हैं ना, इसको हम बोल देते हैं डोमेन, ये है डोमेन, और ये जो निकलता है रिजल्ट में उसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये इस डोमेन को हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, मतलब कि ये हम पुट करते हैं और जो रिजल्ट निकलता है हम उसको वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं। अब पता है सबसे बड़ी बात क्या है जो लोग नहीं बताते हैं, अगर इसमें इमेजिनरी नंबर रखा जाए तो हमारा जो रेंज होगा ना वो भी इमेजिनरी आएगा। यहाँ पे आप आगे जब पढ़ लिए होंगे तो आप चेक कर लीजिए, अगर आप नहीं तो मैं खुद आपको बताऊँगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम कभी भी इस एक्सप्रेशन में रियल नंबर रख के रिजल्ट जो है वो इमेजिनरी नहीं पा सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम रियल नंबर डालेंगे तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब जब हम डोमेन और रेंज जब निकालते हैं तो हमारे देखिए इस तरह कभी कंडीशन आती है तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये इमेजिनरी हो। जब x हम रियल नंबर डालेंगे तो अगर ये रिजल्ट अगर माइनस अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम रियल नंबर डाल के इमेजिनरी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कंडीशन गलत हो जाता है, ठीक है। अगर बुक में लिख दे कि x बिलोंग टू i तो ये जो कंडीशन हम पढ़े आज तक जो हम लगाते हैं वो सभी फेल हो जाएंगे। आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हम उसमें क्या कंडीशन लगाएं कि हमें जो रिजल्ट मिले वो इमेजिनरी ही मिले। बात समझ रहे हैं, तो डोमेन एंड रेंज में ये बातें सब लागू होती हैं। आप कोई भी कंडीशन कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कभी आपको रूट की जरूरत पड़ती है, रूट की जरूरत पड़ती है तो आप इस एक्सिस के अनुसार ही रूट निकालते हैं और बताते हैं कि इसका रूट रियल है इमेजिनरी है। और जब कभी हम इक्वेशन पुट करके कुछ वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर टू जीरो है तो हम इसके एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू वन भी कर सकते हैं, हम टू भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में जीरो कॉमन है तो वो बात वो दूसरा कंडीशन हो गया, वो बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो हम जब भी इसमें रियल नंबर पुट करते हैं तो हमें रियल ही मिलता है, तो इसलिए हमें दो रियल नंबर चाहिए ताकि हम इसका तुलना कर सकें। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग को ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे हम डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह हम सोचते हैं कि ये कंडीशन लगाने से डोमेन निकलेगा, इस कंडीशन को लगाने से रेंज निकलेगा। पता है जब ये दोनों रियल नंबर होते हैं ना तभी हम एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। एक्सिस को चेंज करते हैं जब हम निकालते हैं रेंज, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्सिस को चेंज करते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर टू एफ एक्स है तो हम इसको चेंज करके एक्स स्क्वायर टू एफ वाई कर लेते हैं। फिर इसका हम डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन देखते हैं और जो आता है
बाद में हम कह देते हैं कि वही इस एक्सप्रेशन या इक्वेशन का ये रेंज है। ये सब क्यों करते हैं, क्या है, ये जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वैसा कॉन्सेप्ट जो कोई नहीं बताता स्कूल में, कॉलेजों में, यूट्यूब पे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।